हाय माँ। हाँ बेटी। तना अच्छा नहीं लगता आज के तेरा लाल खेत में चला गया। हाँ आज तो जीजी के मैं भगवान की मेहरबानी हुई से बोल वाला खेत में डगर गया। ए माँ मनु ना कहती कि वो सत्संग ना करे। मनु को हूँ अक देख तू घर बाहरी हो गया तो घर ने भी देख ले और खेत ने भी देख ले फिर रात न अपना सत्संग कर ले। या तो ठीक से बेटी बोआ भाई का टेम हो जब तो कम इसने खेत संभाल लेना चाहिए पर यो तो बावड़ा हो जाए के करा। मैं तो न्यू चाकी ना जोनती सोच समझ गए बात कहूँ सु मैं और तू के न्यू सोचा है मैं के मैं बुरा मनाऊ सु माँ। ए बुरा तो कोनी मैं तो न्यू चाहू बेटी तुम राजी राजी रहो सारी अणका लड़ाई झगड़ा मत करो। भगतनी मैं था शंभू। क्या बात भगत जी किस जा रहे हैं? भगत जी तो खेत में जा रहे थे। अच्छा क्या बात थी? वो बुलावा देना था सत्संग का। बुलावा देना था सत्संग का मन न दे जाए बुलावा खेत में ना डिगर चाहिए तू। भगतनी भगत जी अब ना सत्संग अधूरा है। अच्छा हाँ। न्यू क्यों करा अधूरा हो गया भाई? जिस तरह शिव जी पार्वती बिना अधूरा है ना हाँ। न्यू भगत जी अब ना सत्संग अधूरा है। ए भाई एक काम कर लिए बेटा तू खेत में मत डगर जाइए तू साझ ना की फेर कह जाएगी उसने ना तो वो इब तेरी गल बाज लेगा। खेत में क्या डगर जाएगा ये यो तो न्यू कैस है अगर देखे उसका तो सत्संग भी आया गया फिर तू मन रहे क्या ब्याह कर लिया होती। एक क्यों खाम खा रोन हो रही से बेटी ब्याह ही तो उसका तू ही गई से के रोना पिटना कर रही हो तम सोचो सो खेत में जा रहा से वो ओरे खेता में कोई ना दू पेर का घर थरा पड़ोस में देउड़े राधे कृष्ण लाग रहा है करने राधे कृष्ण वो दो दो लाग गया सत्संग करनी बे दो दो की बात को ना राधे कृष्ण क्या तो जोड़ा से तुमने कौन है बेरा। ए भगवान देख ले माँ तू ही बे फिर तू न्यू कहेगी मैं घनी बोल लू सू। ए तो घनी न्यू बोल रहे से बेटी राधे कृष्ण एक का बात से दो को नी मैं न्यू ना कहती एक दो से के एक से मैं न्यू को ही दो दो लाग गया सत्संग करने एक तो पेंडा ना चुटा था। ए भगवान लिया सुन पकड़ कन बता ए, बात सुने के बात जैसे छो माइक दे तो उड़ाए जाके लाग जा सुन गाल धुप्पड़ दे बेटी घर बुला लाइए और राजी राजी समझा खेत में भेज दिए। ठीक से माँ मैं उसने घर न ला कर तेरा गए समझाऊंगी जा बुला ले। अच्छी समस्या बनी भाई और सत्संग में बैठे बैठे ध्यान नहीं करा दोपहरा हो गया ये कुछ ना और तेज तेज बांगाल ने लिखड़ ले जाटनी ने को बता ना दे चल चल आ खेत में डटिए सोने कित जा सन्यो जाटनी तू तू जा घर में खेत में जान लाग रहा हूँ। अच्छा भगत हाँ, जी हाँ भगतनी तेरा टेम हो गया खेत में जान का न्यू गाड़ में भी टूटा दे है तू मैं जाऊँ खेत में तू जा घर डटो भी नहीं मैं तू तड़का घर से निकला था तू इतना दो फरा हो लिया तू अड़े सत्संग में बैठा साल घर चल रहा है घर घर कितना घर आ जा भगतनी घर शर्म नहीं आती ना आवे है चल ए बगरा तन मारा नाश कर दिया कदी कदी तेरी माँ दुखी मैं दुखी और इस दुख दुख में टिंगरी होगी भगतनी नाक में दम कर दिया तने ते जाटनी भगतनी घर चल चल आई ओली छतरी भगतनी रग गाल में तू गाम कठा कर तने मेरा जीण आराम कर दिया ओए होए और मेरे घर क्या ना बेरा ना यो किसा कुटुंब देख्या त मेरा नाश कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जाटनी चल भगवान चल करना तू हां चल मैं करना देखूंगी मैं पढ़ ले तू भी कर ले छोड़ जैसी चल तू मना बता दे ओए होए किसी ब्रन मट्टी कर दिलाई की कदर रुक जावे गाल में रिब्बी घर बढ़ जा बिना डट दी मैं नो बो दोस्तों तू क्या चाहवे से मैं नु चाहूं मेरी भगतनी मैं बोल दाने ले जा हल जोड़ के खेत में चले जा तने बड़ तड़के ही नहीं दिखे थे तने दो फारे में बड़ दिखे के तो तू काम करेगा तने दो फारे ताए तक खेत बाना था अरे दो फारे पाछे तने बीज बोने थे ईब कर लूंगा फिर दोनों काम इकट्ठे तू छो में क्यों आ रही है छो में भी नहीं आऊं तेरी बुढ़ी मात में नहीं दिखती तंत्रा घर नहीं दिखता तनिया टिंगरी नहीं दिखती बेटी कर्मा या के कह बेचारी ठीक सुन लाग रही है ठीक सुन लाग रही से तू के नुचाव छ तेरी मार मजांगे अलबावण ना ना तुम क्यों जाओगे मर्द मान साले काम मर्द मानस करेंगे जाटनी ना तू तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण रेके हल तो मैं तेरी माँ बा कावांगे ना क्यों भागाओगे मैं कर लूंगा पाछे गलती नहीं करूंगा गलती क्यों ना करे तू रोज गलती करे हम तो न्यू हो जाएंगे बर्बाद जमीन में पड़ोसी बोएंगे
ना हो जाएगा तेरा खत्म है और तू चाव है न्यू से ना 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 भगत न्यू क्यों करा है क्यों ठाडू बोल रहा है न्यू ज्ञान कर दे मन तो भूख ला गई दो रोटी दे दे ईब खवाऊंगी तन मैं पलोथनी कैसन दौरे ले ले तू रोटी तन वो रोटी खवा देगा देख भगतनी मन न तू के मैं भी कह ले कृष्ण जी ने के मना कवा मना कंती कैसन नर तन न कुछ तू अड़ा बैठ मैं तेरी रोटी लाऊं सी रट जा तू ठीक से तौली आइए भगवान यो तो है लड़ाई झगड़े तक को ना मन ने वो तो राज्य रजा तो मनाना पड़ेगा इसका क्या खेती बाड़ी में भी ध्यान हो जाए देख किसे मेरे फूटे कर्म ओहो हे भगवान तने न्यू भी नहीं सोचा अगर तू किसे का ब्याह लाग रहा से थोड़ी बहुत तमेर कर ले किसे का ब्याह दी कर्सन 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 बता कर्सन क्या हमने रोटी दे देगा कर्सन के मारे खेत में अड़वा आवेगा यो तो आपको ही करना पड़ेगा सब क्यों ले देखे मेरी सुना से तू बात हाँ जाटनी न्यू बोल लिया कर रहे ने हाँ मैं न्यू ही बोलूंगी देखे यो तरह या बीज हाँ अरे यो मन झाड़ पे छोड़ कर साफ सुथरा कर कर बांध कर रखा ठीक से मैं बोगाया जवार ने हाँ अरे यो पूरा तोल सही इसमें अच्छा कदे तू खेंडा खेंडियो दे ना कोई खेंडा तू चले आ जा अच्छा दुनिया तो देखे अड़ जोड़ कर लगी थी तड़काऊ और बालिया खेतरी बीज बोन लाग रही सर क्यों तो उल्टे भी आ लिए पर फिर भी तू भी लकड़ जा करते और अपना खेत न बाक न अरे बीज न बो का आजार देखे तेरी रोटी भी गल से इन न ले जा अच्छा और मेरी एक बात तू ध्यान ला के सुन ले भगत खेता में जाइए हो गाटे में दोपहरे का भगत खेता में जाइए हो गाटे में दोपहरे का भगत खेता में जाइए हो गाटे में दोपहरे का धारा खूब रोड़ कहे आची धारा खूब रोड़ कहे दर रखा मन बीज तोल कहे दर रखा मन बीज तोल कहे मती ना देर लगाइए हो लकड़ जगटे में बुआरे का मती ना देर लगाइए हो लकड़ जगटे में बुआरे का भगत खेता में जाइए हो गया के मैं दोबारे का कहन लगी ये देखे यो बीज धर रखा था इस बीज ने लेकर खेत में चला दिए और सुने आगे क्या कहती है ला दिए पर ले खेत में गोड़ी ला दिए पर ले खेत में गोड़ी काल तन चुना गिरड़ी जोड़ी काल तन चुना गिरड़ी जोड़ी हरण देख के पाइए हो ख्याल रखिए नारे का हरण देख के पाइए हो ख्याल रखिए नारे का भगत खेता में जाइए हो गया के मैं दोबारे का फसी फंदे में हो किसी ज्ञान फसी फंदे में मैं तो हूँ व्याधि कुटम गंदे में मैं तो हूँ व्याधि कुटम गंदे में रोटी खेत में खाइए हो काट
रोटी लिए घास दुआरे का, रोटी के दम खाइए हो आट लिए घास दुआरे का, भगत खेता में जाइए हो गया टेम दोबारे का। कदे उड़या जा कृष्ण काला, बामण गाम गिरावड़ियाला, बामण गाम गिरावड़ियाला, उड़े मति शब्द बनाइए हो कृष्ण नंद के दुलारे का, उड़े मति शब्द बनाइए हो कृष्ण नंद के दुलारे का, भगत खेता में जाइए हो गया टेम दोपहारे का, भगत खेता में जाइए हो गया टेम दोपहारे का, भगत खेता में जाइए हो गया टेम दोपहारे का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी। हाँ बेटे चतरे, बोलो क्या बात। बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है? हाँ। अच्छा आज सुबह से गुरु कुछ जी भूख तो चला नहीं जाता, बिल्कुल व्याकुल हो लिए, खाने का बंदोबस्त करो। घबराओ मत मेरे शिष्य, आपको सब कुछ मिलेगा। चलो ओहो एक मिनट रुको, आगे से कोई भक्त आ रहा है, एक बार मुझसे बातें करता हूँ उसके बाद देखता हूँ। करो गुरु जी कुछ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अरे बच्चा प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, न्यू खेता में किरार दुखियो रे हो? क्या बताएं भक्त, बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे को भी लग रही है और मेरे शिष्यों को भी। ओहो महाराज, फिर अड़े खेता में तो खाना पर बंद कित करूं आपका। मैं ये नहीं कह रहा बच्चा आपसे, आप हमारे को घर पर ले जाइए और वहाँ खाने का यानी रसोई का प्रबंध कीजिए हमारे लिए। महाराज घरा तो कुछ कर बात। गुरु जी साधु संतों को देख कर भगत जी प्रसन्न नहीं हुए। ये मेरे को भी दिख रहा है, ये हमारे को देखकर खुश नहीं है बिल्कुल भी। ना ना महाराज, यह के बात कही आपने। और महाराज जी खुश क्यों ना आया, मेरी बात सुनो। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, अगर साध संत नहीं होते तो ये जल जाता संसार, ये जल जाता संसार। गुरु जी साधु संतों के दर्शन तो बड़े बड़भागी को होते हैं। लेकिन बच्चा हमने आपसे खाने के लिए बोला और आपकी बोलती ही बंद होगी कुछ। न्यू है महाराज जी, घर तो आया ही था। अरे महाराज जी के बताऊं, मेरी कुछ मजबूरी ही है। क्या मजबूरी है जो हमारे को बताना नहीं चाहता? के तो बताऊं महाराज जी, के ना बताऊं, आप तो ऊँ गुस्से हो रहे हो, मैं आपकी सेवा करना चाहूं, इसी बात नहीं। क्या सेवा करेगा, हमने खाने के लिए बोला, उसको भी आपने मना कर दिया कि मेरी मजबूरी है। आप हमारे से मजबूरी बताइए ना महाराज। मैंने खाने के लिए इनकार नहीं करा है, ये आप गलत कर रहे हो। मेरी मजबूरी सुनो महाराज, मैं बड़ा खुश हूँ तेरे दर्शन करके। चलो सुनाओ। थारे दर्शन करके परसन हो गया, ना भेद बताया जागा गुरु जी, मन मुश्किल होगी ना घर ने जाया, जागा गुरु जी मन मुश्किल होगी ना घर ने जाया, जागा वो दर्शन करके परसन हो गया, ना भेद बताया जागा गुरु जी मन मुश्किल होगी ना घर में जाया जागा।
मन मुश्किल होगी ना घर में जाया जागा गुरु जी मन मुश्किल होगी ना घर में जाया जागा चतुराई पेट का पानी दे दे कोई लाख करो चतुराई वो खीर खांड का भोजन दे दे और दे दे गल मिठाई वो खीर खांड का भोजन दे दे और दे दे गल मिठाई वो घर में उड़ क्यों कर खाया जागा गुरु जी मन मुश्किल होगी ना घर ने जाया जागा वो दर्शन करके परेशान हो गया ना भेद बताया जागा गुरु जी मन मुश्किल होगी ना घर ने जाया जागा गुरु जी मन मुश्किल होगी ना घर में जाया जाया महाराज सुनी आपने मेरी बात में। हाँ बच्चा सुनी लेकिन बताओ तो आप घर में क्या कलेश आपके पास हमारे को क्यों नहीं ले जाते आप घर पे। महाराज न्यू है मेरे घर में कड़ी यारी ना रहे। अच्छा हाँ ये वजह आम उड़ चले गए फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहूँ आपने कोई सा जतन बनाओ आप भूखे भी ना रहो मेरी बेइज्जती भी ना हो।
ठीक है बच्चा, ये बताओ ये पोटली में क्या आपके पास? इसमें बेजंडी में, हाँ इसमें ज्वार का बीज है। तो जो बीज हमारे को दे दो, हम अपना पेट इसी से भर लेंगे बच्चा, और आपको भगवान शस्त्र गुना देगा। ठीक है महाराज, ये लो। लाओ देव। हाँ जी महाराज। हाँ बच्चा बोलो। और हुकम करो मेरे लायक कोई हो तो। बच्चा पानी और पिलाइए हमारे को। हाँ महाराज, रुको मैं यू ले आ बाजगन पर का पानी। ठीक है ले आओ। हाँ बेटे अतरे, कुछ भरा पेट आपका? हाँ गुरुजी, मौज आनंद हो गया गुरुजी। बस बहुत अच्छी बात। लो जी महाराज जी, पानी लो। हाँ लाओ जी, पानी पी लो जी। लाओ पी लिया महाराज जी? हाँ पी लिया बच्चा पानी। हाँ महाराज जी, और आदेश करो। बस आदेश मैंने यही था, हमारे को भूख लगी हुई थी। हाँ जी। और हमारी भूख का आपने समाधान कर दिया, बस बहुत अच्छा होगा, खुश रहो बच्चा आप। बच्चा। हाँ महाराज। इसी तरह साधु संतों की सेवा करते रहो और आनंद करते रहो बच्चा। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज प्रणाम। प्रणाम। ले भाई, साधु संतो चले गए, यो भी बढ़िया काम हो गया, भूखे ना गए। परीब तो फारा ढूंढ लिया, जै मैं बीज लेने घरा जाऊं, जाट निकलया करेगी बीज ने कित दिया। जै मैं न्यू बताऊंगा भाई, मारा ज्यादा ही खुआ दिया, चिर पचड़ जाएगी। और आज जब बोया नहीं गया तो तड़के यो गीला सूख जाएगा, बड़ी समस्या है। करूं तो करूं कि किसी पड़ोसी पे बीज मांगू तो अपना सब करते तू लेकर लिया हुआ है, एक किलो के हिसाब से चीजें दो किले बोने दो किलिया का लिया हुआ है, उधारा भी नहीं मिल रहा खेता भाई। ये कांकर पड़ी है, इन कांकरा ने कट्ठी कर लिया। ले भाई, अरे ये गाय ले बजंडी, और चल जोड़े बड़दा ने, और लेकर राम का नार बोविंदन। ले भाई लो मल्ले काना, चल साहब शाबाश ले ले बगालू अड़ाई सीधा चाल ले, तुम भी अड्डे तरछे चलो हो हाथ की सानी खाओ न सीधे हो लो, चल शाबाश देखी जाएगी। अरे मेरे कृष्ण भगवान, अरे सीधा चाल, किसी भगत की परीक्षा लेने लग रहे हैं, आज तक किसी ने कांकर नहीं बोई, और आपका यो भगत आपका नाम बो कांकर बो है, और मेरी अर्ज सुनो मेरे मालिक, हाथ जोड़ के एक बात कहो मालिक, अर्ज सुनो मेरी। हे कृष्ण भगवान, आज तेरे भगत की परीक्षा है, मेरा खेत में अन्न उपजा देना गुरु महाराज, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है भगवान, जब मेरा घर मन का दाना नहीं हुआ तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, जाटनी मना घरा नहीं बढ़न देगी, लोग मेरी हंसी करेंगे, अंडा था कृष्ण का भगत बना, कृष्ण का भगत बना, खेत खाली पड़ा है, हाथ जुड़ गया है प्रार्थना कर इस कहो भगत लियाज रखिए महाराज। तन्ने? हाँ भाई आज आत्मा राम है। हाँ अरे आ तो गए, पल ये बता कितने बोया क्या आज? बके बताऊ आत्मा राम जी, कृष्ण भगवान का नाम लेकर ने बो दिया हमने तो भाई। अरे हम भी तो सभी कृष्ण भगवान का नाम लेकर बोलते हैं, वह तो बात अलग है, लेकिन बोया क्या था ने आज? अरे आत्मा राम क्या मत शर्मा ले भाई, अरे तू दिन देखदा ना रात देखदा, सारी आन घंगेड़ा मांडे जा है। अरे भाई फिर मेरे घंगेड़े से इतना क्या लेना, मन कौन सा कीर्तन करना है? अरे भाई ठीक से मैं तरीके लेके कहूँ, तू ये कसी ले रहा पानी पा देगा के करका है? अब पानी देगा हूँ, पानी सुबह से आ रहा था। और तू नु बता यार,
खेत का भी सारा काम कर लिया। हाँ। और तू अब ठाली बैठा यहाँ पर, इधर ये बैल बांध रखे तेने, घर नहीं चलना क्या भाई? न्यू ज्ञान करे आत्मा जी, तू चाले मैं थोड़ा डटका आऊंगा। यार रन्ना, अरे तेरा मेरा थोड़ा साथ हो जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, तू यहाँ अकेला क्यों पड़ा है? ना भाई, उड़े साथ गांव ताई दो, तू शर्म बड़क कर देगा मेरे। भगत जी तू जा भाई, मैं थोड़ा रुक आऊंगा, ये दो जोड़े हाथ जा तू। अरे तन्ने, हाँ कदे तो ये तो नहीं सोच रहा कि यहाँ बैठ के मन यही भी कीर्तन करना है, यहाँ तेरा कीर्तन सुनने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे बोले मानस माड़े कड़े कीर्तन करूं था, थोड़ी हानि है बड़े सांस तार ले हैं, तू जा मैं कितने नाड़ सत्संग करता भाई। अग तेरी मर्जी है, कह तो मैं तेरे से ठीक रहा हूँ, देरा हो जाएगा ना फिर, ना पढ़ दोगे दिखेगा तेरे का, ऐसे कमजोर पढ़ दे तेरे। तू जा भाई, हम आप आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ा रहा हमने क्या मतलब है। तेरा ना झाल बोला हो लिया, रोचो राइब ताई नहीं आ लिया खेत मा ते, यो चिंता कर रही है माँ आ जाएगा। ए चिंता तो सच्ची है, दो फारत ता तू लड़न लगी उसने, रोटी भी घेटी तो तला ना उतरन दी तने। रोटी उतरन की बात कैसे, तुमने खेत नहीं दिखते, खेत क्यार का कोई काम नहीं है, वो बीज बोने थे वो भी रह गए। ए बेटी दिखा था हमने सब के मस है, पर बताओ ओ ढाणा हो रहा है, उछोरे नो ढाणे ताई ता जाना चाहिए था ने। फिर मन ने क्या गलती कर दी, सच्ची कह दी आंख में आंगली मार दी, थारे तो ऐसा हो रहा समा बेटे के, मैं तो कहूँ ना मन तो तुम पाड़ ना हो सो। इतना तो जी सी पे जोरी से उसने मुंह मात राम का नाम का ध्यान है और तो उसके सिर पर चढ़ी ना। मन ने क्या ऐतराज लाग जा, मा तू भी करण राज दे कृष्ण, राज दे कृष्ण, मैं के नाटूंगी तन्ने। हे भगवान, हे कृष्ण महाराज, ए करा तो साए हम तो राज दे कृष्ण करा हाँ, पर जी तन्ने ना सुहाऊ और के मैं तू नो बता भगवान पे ना केस है। कहीं चिंता करने की जरूरत ना है, आ जाएगा ताई। रे कौन सा था भाई? ताई आत्मा हूँ, आत्मा। हाँ रे, खेत का नहीं था ऐसा के? कते खेत का नहीं आया हूँ बिल्कुल। बेटा मारा वो धन्ना भी देखा है तने? धन्ना देखा है। आओ से के वो भी? वो मैं तो बतेरा कई उससे मंगा, चल पड़ घर चल पड़, तने सारा काम खेत का कर लिया, तू यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठा है अकेला? बोली थी जवारे। सब कुछ बोलिया। बता फिर भी क्यों ना आया वो? मैं क्या बताऊं था, मैंने तो बहुत कहा था, वो तो ये कहने लग गया कि मैं नहीं चलता अभी घर, वहाँ घर चलूंगा तो जाटनी लड़ेगी मेरे साथ। क्यों? मैं बड़का छत्ता सू लड़ूंगी। मन्नत मेरे से क्या करी, उससे पूछियो। कहियो माँ तू चिंता मत करे, देखे उड़े भी बैठ कर देकर्षन, रा देकर्षन करता होगा। ए बेटी के रा देकर्षन करता होगा, वो तेरे कलेश डरता ना आता। हम कलेश कर दे से रहने देने, और किसा के सत्संग में जाना होगा रात में। देखे आज एक बात और सुन ले तुम्हारी, बड़ धन खोवेगा किता गेर की आवेगा। इन्यो तो के बावड़ा से गेर क्या आवेगा, कमी भी ना रह रही, और बाकी तो तू कर ले जो तेरे जी मानता हो, तो जा देखा तेरा ना गाल जा टकर। ए मैं तो देखने लाग रही सू गाल में खड़ी धा की दिखे जा। भाई तो बेसक कितनी देख, छत के ऊपर चढ़ कर देख ले, वो नहीं आएगा आज। क्यों रे, न्यू क्यों कर बोल रहे तुम? ताई इस घर में या तो धन्ना रहेगा या फिर भाभी रहेगी, अगर भाभी रहेगी तो धन्ना नहीं, धन्ना है तो भाभी नहीं। अरे तू चला जाना अड़े, तो मरूंगी तेरा गट्टा पया कॉमेडी, बेबी नहीं रही, इस कब मार दे दो रखते। ए न्यू ना बोलिया करे, थोड़ी बहुत जबान का लगाम दे ले तू भी। अरे तो बताने में भी केस हो जाता है। जा सकना तू अड़े, तो तेरी बताऊ मैं अड़े। अरे भाई मजाक कर रही है, क्यों सोम मानना है, चल तू। ये मजाक होते होंगे तो दिए दिए मामनिया काम थी तू। ठीक है भाभी, इतनी गर्म मत हो। अरनू कर भाभी, मैं तो जाऊँ अपने चूल्हे पास बैठ जाके। देख जा तू अड़े, बेटा रखड़े रमन दिए माया काम थी, इसको मारू मैं। जा सकना अड़े तो तू, पर भी जा। कि मेरा कुमार है ये धन्ने की बहुत बिगड़ी बिगड़ाई थी ये, है ना, गाँव की लुगाई अगर बिगाड़ दी हम, अगर तो सिस्टम पे किसी की मजाक नहीं आती तो शामी बोल जा। औरत होते हुए देख कत कैसे सिर के ऊपर से बोल रही है, शाम नहीं आती। तो इस कमीर की बात तन सुनन लाग रही, तेरा छोनी उठता, तू इसका मार नहीं तो रे पैकेज कर डेढ़ चाल। जा भाई, क्यों खाम खाड़ा रोड़ा करवाओ है, जा रोड़ा को नहीं, या ए मन या ठेला कड़िया जा, तने मैं देखूंगी कमीने कि मन्ना को देख देख अपना तमने ने। अच्छा ये मार दिया हीरो है, देख लो भलाई का जमाना मार गया, या तो वैसे भी मराड़ ले रही है, तो मराड़ और मर गया इन्हें तो। अच्छा कति जमानो कड़मे कदी दौरा बना दे यार, हाय हाय। ए उस पर क्यों छो मारी से बेटी, ले मैं देख के आऊं, सुनो धनान की ताव से देखिया तू बीजा। हे भगवान, कदे आज सच्चे ना आवे, कई बार देखे ये बावड़े भी शेणी बात कह जाया करे,
कहता था अकावे को ना होता है ये राम है वो जी साव था उसमें यो घर तब रहा था अरे जना आया था हम तो उजड़ गए मारा कौन रोखाड़ा जी साबी से छोरी का बाबू तस है बेटा तस है वो घरबारी तस है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना आया तो गलत बात हो जाएगी मैं भी तो पाछा घनी पड़ी रो सू उसके वक्त बेवक्तों का शर पर चढ़ी रो सू राशन पानी लेकर इतनी मन ने भी नहीं कहनी चाहिए हूं तो के करो दुखी होगी मत हे राम तू की तो सुनता हो न तदिये उसने सदबुद्धि वो घर ना आ जा देखे मैं तेनो को सो आज पाछा जब कुछ भी कह लू तो मैं कसूरवार लो राधे हमने अपनी चाल को चल दिया है आपकी चाल को कौन समझ सकता है महाराज कोई नहीं समझ सकता लेकिन फिर भी हम आपके साथ रहते हैं आपकी चाल को हम काट देंगे महाराज आप मायावी हैं अंतर्यामी हैं मन कहीं तन कहीं मैं समझ सकती हूं क्या हुआ महाराज हमें जाना होगा राधे कहाँ हमें हमारा भगत पुकार रहा है हमसे बड़ा और कौन भक्त हो सकता आपका महाराज नहीं राधे इस संसार में हमारे बहुत से भगत हैं उन्हीं में से धन्ना भगत हमारा एक भगत है ठीक है महाराज लेकिन आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते राधे ये कैसे हो सकता है कि एक भगत पुकारे और भगवान न जाए धन्ना हाँ माँ बेटा ये तेरी ससुराल ते पीले चावल आए से अच्छा तेरे साले का ब्यास है अच्छा अच्छा बड़ी अच्छी बात माया तो इब्जान की सोच लो बेटा क्यों करके करोगे चली जाएगी वहाँ अच्छा मैं चली जाएंगी लगाम पकड़ाई कौन लेगा बेटे नी तू का चार दिन की रोटी से मेरा बाबू ने कहा था बेटी चार रोटी देगा सेठ साहूकार से खरिया बात तो ठीक से तेरी फिर चार दिन जान मत माँ कृष्ण भगवान की सारा मामला गड़बड़ा जाए मेरा तो भोकुन लवाओ गाड़े बेटा हाँ। यो तो गैल क्यों कर चल लगा कृष्ण भगवान तक गैल क्यों ना जागा माँ जो चमटा खड़ताल और कृष्ण भगवान मेर जाटनी फिर तो न्यू कर हाँ। कृष्ण और खड़ताल और चमटा इन ने ले जा मैं ना जाती मत यहाँ बैठी फिर तेरे बिना उड़े मेरी की कदर होगी न्यू कहीं बैठे हुए कला रहा न जाने ए बेटा क्यों रोड़ा कर रहे सो तम मन के रोड़ा करे माँ कदे चल इसका तरीका भी सही हाँ काट ले अपना तरीका मेरी बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है मेरे घर न जाकर मेरी बेइज्जती करवावे होना करावा जाटनी भगत नी डट ओना मेरी तो मट्टी पली दोरी से इन और गैल ले जा क्यों बात जो कह है वा कह लेने दे क्यों रोड़ा करे से तू बेटी कर्मा ए बेटी कर्मा आई बाबा बेटी मैं तेरा मामा का जाऊं हूं तेरी माँ जाओ है बेटी ठीक है बाबा तू चल लगी गेल्या नहीं बाबा मैं अपनी दादी के साथ जाऊँ देख कितनी शैनी है मेरी बेटी कितनी शैनी है चोखा संस्कार इश्पना गए बाबू बजारी न्यो की न्यो जट जा तू बेटी कर्मा हाँ बाबा एक बेटी काम का जुम्मा ले वने काम लगा जाएगा अपनी बेटी का ठीक है बाबा मैं करूंगी बेटी देखे कृष्ण भगवान की रोज पूजा करनी पड़ेगी ठीक है बाबा तन्न रोटी खान से पहले बेटी भगवान का भोग लगाना है बाबा मैं आपको रोज देखती हूँ जैसा आप करोगे वैसा ही मैं करूँगी ऐसी बेटी गणी समझाने जरूरत नहीं जैसा मैं करया करता ना रोज न्यू करना है बेटी ठीक है बाबा रे कर देगी छोरी बहुत शैनी से बेटा रोज देखने लग रही तने हाँ माँ बाबा आप जाओ मैं दादी से पूछ लूंगी और क्या क्या करना है और तेरी दादी ने परेशान ना करी बेटी नहीं बाबा मैं दादी के साथ रहूंगी दादी का कहना मानूंगी और बेटी भोग लगा के फिर आप खाना खा लिए दादी ने खुआ दी और फिर स्कूल में चली गई बाबा आप चिंता ना करे मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाऊ फिर मैं दादी को खाना दूंगी फिर मैं खाना खा के स्कूल ठीक से बेटा
देखा मैं बहुत सैनी चोरी है भाई न्यूटनी मेरा बजारी है चोखा इसका जा रही है को ना थाले ई गठड़ी नर चाल गठड़ी मैं क्यों उठाऊं गठड़ी उठाओगी तू फेरे अच्छा मां ले तेरे पा दाबू ले बेटे चलो बुढ़ स्वागण शील सुखी हो तरह कमाओ बना रहे राम तन बेटा दे घना दे और देखे घने दिन मतला दिए बेटी ब्याह होते आ जाएगी ना माता उड़े आ जाएंगी मन तेरी चिंता नहीं और माँ एक आशीर्वाद और दिया गिल गिली इसने के बेटा जो गरीब का थी तरा यू बना रहे तरा यू बना रहे यू भी कहा तू कदे झगड़ा ना करे अगर देख भाई बात मैं सारी आने कबूस अरीब तो बहुत फर्क हो रहा सही की तलड़ा सही अच्छा माले चला अच्छा बेटा चलो चल जाटनी चल दादी दादी अ बेटी मैं भगवान को भोग लगा दूं अ बेटी मैं इतने तेरी रोटी खा लूं सो और तो भोग लगाया ठीक है दादी भगवान जी जैसे मेरे बाबा भोग लगाते थे ऐसे मन मोहन खाले खिचड़ी ओ मन मोहन खाले खिचड़ी तुम्हें भोग लगाओ भगवान जी मावे बेटी जाति की हो तुम्हें भोग लगाओ भगवान जी मावे बेटी जाति की ओ मन मोहन खाले खिचड़ी मन मोहन खाले भगवान जब भूखे रह गए भगवान जब भूखे रह गए तो मर भूखा जगत जहाँ जिमावे बेटी जाति की ओ मर भूखा जगत जहाँ जमावे बेटी जाति की मन मोहन खाले खिचड़ी ओ मन मोहन खाले खिचड़ी ओ तुम्हें भोग लगाओ भगवान जे मावे बेटी जाति की देश में जावेंगे वो तो दूर देश में जावेंगे और कई रोज में आवेंगे और कई रोज में आवेंगे तेरी हो जगी भूख बिरान जी मावे बेटी जाति की तेरी हो जगी भूख बिरान जमावे बेटी जाति की ओ मन मोहन खाले खिचड़ी ओ मन मोहन खाले खिचड़ी तुम्हें भोग लगाओ भगवान जमावे बेटी जाति की तुम्हें भोग लगाओ भगवान जमावे बेटी जाति की मैं तो माखन लेरी हाथ में हूँ मैं तो माखन लेरी हाथ में तेरी पाड़ की पण की बाण जी माव बेटी जाति की तेरी पाड़ की पण की बाण जमावे बेटी जाति की ओ मन मोहन खाले खिचड़ी ओ
मन मोहन आले की चिड़ी तुम भोग लगाओ भगवान जमावे बेटी जाट की तुम भोग लगाओ भगवान जमावे बेटी जाट की भगवान ने आकर के भोजन नहीं करा तो कर्मा गुस्से में हो जाती है और भगवान को मारने के लिए अपने हाथ में डंडा उठा लेती है और गुस्से में आकर के भगवान से कहती है, क्या कहती है, कर्मा ने डंडा उठा लिया वो कर्मा ने कर्मा ने डंडा उठा लिया वो कर्मा ने डंडा उठा लिया तू साग विदुर घरी खा लिया वो तू साग विदुर घरी खा लिया बिलड़ी की करी ना गिल्यान जिमावे बेटी जाट की बिलड़ी की करी ना गिल्यान जिमावे बेटी जाट की ओ मन मोहन खाले खिचड़ी ओ मन मोहन खाले खिचड़ी ओ तुम्हें भोग लगाओ भगवान जमावे बेटी जाट की तुम्हें भोग लगाओ भगवान जमावे बेटी जाट की कृष्ण लाल की ओ यत वाणी कृष्ण लाल की यत वाणी कृष्ण लाल की यत वाणी कृष्ण लाल की रुक माला रटी गोपाल की रुक माला रटी गोपाल की ओए परगट चंद्र बांजी मावे बेटी जाट की ओए परगट चंद्र बांजी मावे बेटी जाट की ओ मन मोहन खाले की चिड़ी ओ मन मोहन खाले ये मेरे परमात्मा आत्मा तो ठीक का कह था उसने क्या गालूंगे परमात्मा दोरे देख देख मारे किसे दुर्दन आए ये राम तू किता हो तो मन ठा ले इसे आदमी का तो मेरा ब्याह होया मऊन दियो तो जवार बोनता यार वो बोवे तुम बे क्यों कर गुजारा होगा इसे गैल क्यों करियो घर बसेगा के तो इस घर का भविष्य के मारा भविष्य ये भगवान है जो गुरदुए तुम भी लकड़ रे जवार बोव था करा देरा दे करता ये तुम भी बोव था वो मेरा तो क्यों समझ में आ नहीं रही मत पागल हो जाएंगी इसे आदमी दोरा रह करना आज तक तोड़ करूंगी जाकर के तयो राधे कृष्ण गैल यो भगता रहेगा और के इसके घर में मरूंगी यो तो मैंने जीते जी मार रहा सा जीते जी ये भगवान तुम्बे तुम्बे ला एक तुम बात तोड़ लियो जानते हैं जिसका भोबरा नहीं फोड़ा ना मन तो मैं विचाटनी नहीं सू देख देख किसी मेरी किस्मत फोड़ी मऊन बीज दू जवार का उग तुम बे जब मऊन तड़का बीज दूंगी गेहूं का तो वो तो राधा कृष्ण पैदा कर देगा खेत में नरे नरे क्यों कर भुगतूंगी मैं इस आदमी ने देख के भाई रोए न मरा तो जीना आराम कर दिया क्या है जो गिफ्त ना छोड़ी गम न बेरा पटगा जब मेरे पीर में बेरा पटगा तो के कहेंगे क्यों कुरमू दिखाऊंगी मैं
पानी भी लेना डंगर डोर का भी करना बता गामाली मन के कहेंगी। कभी करसन बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आज तेरे करसन तेरे शाम ना आवे आज तो माउसू में क्यों यार जाटनी की डाल गरम हो रही है क्यों यार जाटनी तुम बाहर की तली है तुम्बा तू खेत में क्या बोका है था मैंने तेरे को जवार का बीज दिया था तू ये तुम भी बोया है उड़े भावड़ी हो रही जवार बहुत जवार हो यार तुम भी क्यों करो जा तुम भी क्यों करो जा यो मर तेरे सर में देखिए तुम भी क्यों हो जा फोड़ दिया वो बड़ा भी फोड़ दिया न्यू भी कत्ता लागी करना था पाई भी करन क्या करू मैं तल मरा जी ना आराम करा क्या से मत ना जवार के बीज देता तो तुम भी बोवे क्यों ना जीण देता तू मन जाटनी के बात से एक बतला आन देखियो तुम बात ने मेरे शर्मा मारा ए भगवान देख तो बतला ने जवार कीता यार धरती में तू तुम बे बोका रे से जवार के ताओगी मारे घर में अरे एक बब्बो के इतनी तलान लखा जवार जवार खंडरी सारा के राम तू बे माते जवार ले मेरे कृष्ण भगवान ये देख यो थे छाला है ना हो गया अचंबा जाटनी अचंबा ये तुम बे मात लकड़ी जवार हां तुम बे मात लकड़ी और अड़ा जवार थी ये नहीं ये भगवान यो तो पसुत्ता चाला होया से देखा कृष्ण की लीला के तई सुन भोया सर के उ घर दे घर में जवार जवार जाटनी हां महज तने सच्ची बात बता दूं बता दे बस तू हस्त मन तन्ने 5 किलो जवार का बीज तोल के मेरे ताई दिया दिया रास्ते में मने 3 साधु भेट गए अच्छा वे भूखे थे ठीक है मन ने वह जवार उन साधु माता ही खवा दी अच्छा हाँ और मैं चला गया खेत में काकर कठी करके सारे खेत में उड़ने में गए काकर काट गए ने और अपना घर बोल बाल आ गया मतलब काकर बोक आया था काकर बोक आया था हाँ जटनी सच्ची बात और काकर के ये तुम्बे बने और तुम्बे मा तया जवार लकड़ी सब कृष्ण की माया है भगत जी हाँ भगतनी आज मेरी आँख खुल गई अच्छा देखे तू तो सत पे था और मैं झूठ पे थी हैं तू तो भगवान की भक्ति करा थर मैं तेरी बेइज्जती करूं थी मन ने नहीं बेरा था तू इतना बड़ा भगत था देखे सच्चा ज्ञान तो तू ले रहा थर मैं अज्ञान में अंडे गई मैं तो हाथ जोड़ कर फिर माफी मांगू मैं तेरे पाया पड़ू हूं तू मन अपना साथ ले मैं भी राम की भक्ति करूंगी मैं भी कृष्ण न मानूंगी मैं भी आज कृष्ण न मानूंगी भगत जी मन अपने साथ ले ले ठीक है भगतनी साथ तो तुम रे थी पर सच्ची आत्मा तो साथ रही ठीक सब हाँ, भगत जी ठीक है बड़े बुजुर्ग ने एक बात कही है भक्ति मय शक्ति ठीक का तो कही से भक्ति मय शक्ति हो से मेरी तो गति तेरे चरणा मय से और तेरी भगवान के चरणा मय